प्रश्न नंबर 6 है, ऊंचाई 1 मीटर वाले बेलनाकार बर्तन की धारिता है 15.4 लीटर और इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी। देखिए, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके आयतन का वीडियो नंबर 6 या 7 भाग हो रहा है और जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो प्लस में सारे ही क्वेश्चन लगभग NCERT सॉल्यूशन का करवा रहा हूँ। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। मेरा नाम है आदित्य मिश्रा और ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके आयतन का अगला भाग है। तो इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक मीटर वाले बेलनाकार बर्तन की धारिता, यानी 1 मीटर वाले, तो अब 1 मीटर यहाँ पर क्या है, तो ऊंचाई है। यहाँ पर आप लोग के बुक में लिखा होगा शायद ऊंचाई, लेकिन यहाँ पर अगर नहीं लिखा है तो आप देख लीजिए। अब इसकी धारिता दी हुई है, धारिता यानी कि आयतन, लेकिन लीटर में। अब एक चीज़ आप समझ लीजिए कि 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर। 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर, तो यानी कि 1 बटे 1000 लीटर बराबर होगा 1 बटे 1000 घन मीटर बराबर होगा। घन मीटर का मतलब होता है मीटर की पावर 3 बराबर 1 लीटर बराबर 1 लीटर। तो अगर कोई 15.4 कहे तो 15.4 बटे 1000 ये हो गया आपका घन मीटर में जो है मान, किसका मान, आयतन का मान। अब आयतन का सूत्र आप जानते हो, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की जगह आपने रख दिया 22/7, ठीक है। आर नहीं मालूम है क्योंकि अभी आर नहीं मालूम है, आर स्क्वायर की जगह आर रख दिया और वन जो है ऊंचाई वो वन रख दिया, ठीक है। तो आर स्क्वायर का मान आप जब निकालने की कोशिश करेंगे तो आर स्क्वायर का मान क्या आएगा, यहाँ से आपको आर स्क्वायर का मान आएगा 0.07। करके देख लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से हमने लिखा था 22/7 आर स्क्वायर और एच का मान हो गया था 1 बराबर था 15.4 बटे 1, 2, 3, ये था ना। तो बाकी तो आप समझ ही जाएंगे कि कैसे क्या करेंगे। आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1.5 × 7/22000 और सॉल्व करेंगे तो आप 0.07 आएगा, करके देख लीजिएगा। तो ये आर का मान आ गया। अब कह रहा है कि कितने धातु की सीट की आवश्यकता है। तो आप मान लीजिए कि जैसे इस तरह से ये बेलन है, ठीक है। तो अगर हम इस बेलन को बीच से काट दें यहाँ से, तो इस तरह का एक चादर बन जाएगा, है ना। जैसे कि कागज़ को आप गोल गोल मोड़ेंगे, कई बार हम लोग कागज़ को मोड़ते हैं तो इस तरह से गोल गोल वो बेलनाकार बन जाता है कागज़, है ना। और कागज़ को खोलते हैं तो कैसा बन जाता है, कागज़ बन जाता है एक लंबाई और चौड़ाई वाले जो है आयताकार सीट में। तो चलिए, हमें चौड़ाई तो मालूम है 1 मीटर, क्योंकि जो लंबाई थी ये चीज़ 1 मीटर, और ये चीज़ नहीं मालूम है, तो ये है 2πr, जितनी बेलन की परिधि होगी। बेलन की परिधि बोलिए या व्रत की परिधि बोलिए। तो हम क्या करते हैं, बेलन की परिधि यानी 2πr और ऊंचाई h को गुणा करते हैं तो ये बन जाता है आयताकार सीट का क्षेत्रफल, क्योंकि ऊंचाई है ये h, है ना, और ये है 2πr। तो देखिए, आयताकार सीट का ये तो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई 2πr है, चौड़ाई जो है h है। तो हम यानी बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के बाद हम बेलन को वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर हमें ये भी तो निकालना होगा ना, ये दोनों भी तो वहाँ पे लगाना पड़ेगा ना कुछ ना कुछ। तो ये दोनों कैसा है वृत्ताकार है। तो ये दो व्रत भी जोड़ देंगे, ये देखिए दो व्रत को भी जोड़ देंगे। तो कुल मिला के हम क्या करेंगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ भी निकाल देंगे। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ यानी 2πr ब्रैकेट में h+r, ये होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो 2 × 22/7, r का मान 0.07, h का मान 1 और यहाँ 0.07। सब कुछ आप करेंगे तो कुल मिला के आ जाएगा ये, कुल मिला के आ जाएगा ये मान आ जाएगा, ठीक है, ये मान आ जाएगा। सब लोग ध्यान से देखिए, अब यही है उत्तर,
यही है उत्तर। आप करके देखिएगा, करके देखिएगा, 2πr, 2πr h प्लस आर में करिएगा, चाहो तो आप ये कर लो और चाहो तो जो है अलग अलग कर लो, 2πr h प्लस यहाँ पे ले जाओगे तो 2πr2। तो देखिए 2πr2 का मान यहाँ निकाला गया है ना, और 2πr h का मान यहाँ निकाला गया है, और दोनों को बाद में जोड़ा गया है, और चाहो तो आप इकट्ठे कर लो। तो चलिए समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा करता हूँ। अब देखिए ये क्वेश्चंस जो हैं आप लोग कर लोगे। अब आ जाते हैं 13.7 पर, अब आ जाते हैं 13.7 पर, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। तो चलिए एक्सरसाइज 13.7 शुरू करते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके आयतन कक्षा 9। पहला प्रश्न है कि उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या है 7, ऊंचाई है, सॉरी त्रिज्या है 6, ऊंचाई है 7। तो देखिए जब तक बोला ना जाए तब तक पाई का मान कुछ और मत लीजिएगा, नहीं तो हमेशा 22/7 ही लीजिएगा। तो अब क्या करना है कि उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3πr2h, ये होता है शंकु का आयतन। तो 1/3 22/7, r का मान क्या है 6, और h क्या है 7। देखिए ऊंचाई 7 दिया था ना, और त्रिज्या 6 दिया था, अब 7 से 7 कट गया, यहाँ पर हो गया 1/3 गुड़े 22 गुड़े 36, क्योंकि 6×36 हुआ, 3 काटिया, तो 3×1=3 और 3×2=6, तो आया 22×12, और 22×12 हो जाएगा 264, 22×12 264, तो पहला वाला आ गया। घन सेंटीमीटर जरूर लगाएंगे, मात्रक होता है ये घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब सॉरी करेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है कि त्रिज्या है 3.5 और ऊंचाई है 12, त्रिज्या है 3.5 और ऊंचाई है 12, मतलब कि इस तरह से देखिए शंकु तो पहले बना ही लीजिए आप, इसका त्रिज्या है 3.5 और ऊंचाई है 12, है ना, ऊंचाई है 12। तो फिर से हम क्या करेंगे, 1/3πr2h, तो 1/3 पाई की जगह 22/7, आर की जगह 3.5² और h की जगह 12। सबको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर वही चीज़ सॉल्व करके दिखाया गया है। तो आप जो 1/3 × 22/7 करोगे, और जो 3.5² था उसको दो बार लिख दो, 3.5 × 3.5 × h का मान हो गया 12, ये 3.5 हटाओगे यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ पर भी हो गया 10, 5×7=35, 5×2=10, 5×2=10, 5×7=35, देखिए यहाँ पर 1/22/7=12, 1/22/7=12 ये हो गया, और नीचे वाला काटे पीटेंगे, यहाँ पर देखिए 3×6×12, 12×12 कट गया, और 7×7 कट गया, बचा गया 22×7, 7×2=14, 7×2=14=15, 154 सेंटीमीटर क्यूब इज द राइट आंसर। तो ये लंबवृत्तीय शंकु का आयतन है, ठीक है। शंकु क्या है इतना तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। शंकु में दो तीन चीज़ें हैं, मैं बता देता हूँ। शंकु में एक है, ये है शंकु आपका, ठीक है, इसमें ये होता है त्रिज्या यहाँ से आधा, और ये होती है ऊंचाई, और ये होती है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई जो होती है वो बराबर होती है अंडर रूट h² + r² के, तिर्यक ऊंचाई होती है अंडर रूट h² + r² के। और साथ ही इसमें एक होता है वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr l, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr l, और इसमें ये नीचे वाला जोड़ देंगे। तो नीचे कैसा होगा, नीचे तो वृत्ताकार होगा ना, πr2। अब बताइए दोनों में से अगर हम πr कॉमन ले लें तो l+r बचेगा, है ना। तो ये है संपूर्ण पृष्ठी, ये है संपूर्ण पृष्ठी, और ये है वक्र पृष्ठी। और फिर आयतन आप तो अभी अभी जानते ही, 1/3πr²h, ये आयतन है।
चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि शंकु के आकार के उस बर्तन की धारिता ज्ञात कीजिए लीटर में, है ना, जिसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 25 सेंटीमीटर। त्रिज्या है 7, ऊंचाई है 25, तो स्मॉल आर बराबर है 7 और ऊंचाई है, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर है 25। अब यहाँ पर देखिए नया खेल आ गया। आपको अभी भी मैंने बताया था कि एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। तो आप क्या करोगे, इसी एल के लिए काम करोगे। यहाँ पर जो जो मान है, अगर ये एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मैंने बताया है, तो ये अंडर रूट यहाँ से हटेगा तो हो जाएगा एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अब 7 दिया था त्रिज्या का मान, तो त्रिज्या की जगह स्मॉल आर की जगह 7 रख लिया गया, और 25 दिया था तिर्यक ऊंचाई यानी एल की जगह 25 रख लिया गया, तो एच को अलग रख लिए, एच को हमने अलग रख लिया। यहाँ पर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो गया, और एल का मान हो गया 25, आर का मान हो गया 7, 25 25 625, 25 25 625, 7 7 49 माइनस किया 576, और 576 यानी 576 द आंसर ऑफ स्क्वायर ऑफ 24। तो h की वैल्यू आ गई 24। अब हम शंकु की आयतन का सूत्र लगाएंगे 1/3 πr² h, तो 1/3 रख दिया हमने, पाई का मान 22/7, r का मान 7, देखिए r का मान 7, और h का मान 24, अभी भी निकाला है हमने h का मान 24, सबको किया तो आ गया 1232 घन सेंटीमीटर। अब घन सेंटीमीटर आ गया, बर्तन की धारिता तो हमें लीटर में निकालनी थी, तो जानिए कि जब भी घन सेंटीमीटर को आप लीटर में निकालोगे तो 1000 से भाग कर दोगे, तो आपने 1000 से भाग कर दिया तो आ गया लीटर में, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1 घन सेंटीमीटर बराबर 1000 लीटर, ठीक है, 1 घन सेंटीमीटर बराबर 1000 लीटर आपका आंसर आ गया है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 1 घन सेंटीमीटर बराबर 1000 लीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शंकु की ऊंचाई है 15, आयतन है 1570, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करिए, यानी आयतन की जगह पहले से 1570 रखे हैं, और आयतन का सूत्र होता है 1/3 πr², और h की जगह 15, ठीक। अब 3 × 5 = 15 हो गया, तो यहाँ पर हो गया 1570 = 22/7 × 5 × r². अब हमने क्या कर दिया, 1570 × 7/22 × 5 = r², और इस तरह से हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। जब इसको काटे पीटेंगे तो ये आएगा r = 10, काटे पीटेंगे तो r = 10 आएगा। देख लीजिए 11 × 2 = 22, 11 × 1 यहाँ पर आ जाएगा, 11 से नहीं कटेगा, पर काटे पीटेंगे आप तो देखिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मैं ले रहा हूँ, देखिए यही है, तो आप आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैंने 22/7 गलती ले लिया, आपको यहाँ पर 3.14 लेना है, देखिए क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि 3.14 का प्रयोग करिए, ठीक है, तो 22/7 लेने पर शायद ना कटता, लेकिन 3.14 लेना है, याद कर लीजिए 3.14 लेना है। पूरे सॉल्यूशन को देखिए, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप लोग सब इसमें कर लोगे। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक 9 सेंटीमीटर वाले ऊंचाई वाले लंबवृत्ती शंकु का आयतन है 487, और इसके आधार का व्यास ज्ञात करना है। अच्छा, इसमें 487 दिया है, लेकिन यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ पर 48 πi देना था, ठीक है, कुछ मिसप्रिंट भी हो जाते हैं, तो 48 πi है। आपको करना क्या है कि इसका व्यास ज्ञात करना है, यानी त्रिज्या निकाल के उसको दोगुना करना है। तो हम जानते हैं कि आयतन 1/3 πr² × h, h की जगह 9 रख लिया,
बराबर है 48 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से 3 हो गया, तो आर स्क्वायर बराबर 48 अपॉन 3, 3 बन जा 3, 3 6 जा 18, तो आर बराबर अंडर रूट ऑफ 16, तो आर बराबर 4 सेंटीमीटर। और व्यास क्या होगा, व्यास बराबर 4 × 8 सेंटीमीटर, ठीक है, व्यास बराबर 8 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर, 8 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि ऊपरी व्यास, ठीक है, ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर तक गहरा है, इसकी धारिता किलोलीटर में ज्ञात करनी है, कितनी होगी। टेन ये है 3.5 मीटर और ये है 12, तो पहले तो आयतन ज्ञात कर लीजिए और फिर आप ये समझिए कि किलोलीटर में 1 किलोलीटर बराबर होता है 1 घन मीटर, तो जितना आंसर होगा वो किलोलीटर में ही होगा, ये रट लीजिए, ठीक है। तो करना क्या है, बस कुछ नहीं, आपको 1/3 × π आर स्क्वायर, एच में सारे मान रखना है, पाई का मान 22/7, आर जो है देखिए यहाँ पर 3.5 मीटर जो है व्यास था, तो 3.5 मीटर अपॉन 2 हो गया त्रिज्या, और इसको सॉल्व किया तो 7/4 हो गया, तो यहाँ पर आपने 7/4 का स्क्वायर इंटू 12 किया, सॉल्व किया तो 38.5 किलोलीटर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन है 9856 सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब देना है लेकिन क्वेश्चन में कई बार मिसप्रिंट रहता है, तो क्योंकि आयतन सेंटीमीटर क्यूब में लिखा जाता है, इसके आधार का व्यास है 28 सेंटीमीटर, व्यास है यानी 2r, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, रेडियस इसकी आधी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर इज द रेडियस। अब हमें ज्ञात करना है इसकी तिर्यक ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक लंबवृत्तीय शंकु का जो है आयतन सबसे पहले दिया है, तो हम जानते हैं आयतन का सूत्र होता है 1/3 πr² h, πr² h के हिसाब से हम रखेंगे तो r का मान तो रख लेंगे, h का मान निकलेगा, तो कुल मिला के 616 upon 3h आएगा, ये बराबर हो जाएगा किसके, इस आयतन के 9856 के, तो h को अकेला छोड़ेंगे 9856 × 3/616, तो सॉल्व करेंगे तो आएगा h का मान 48, सॉल्व करने पर h का मान आएगा 48, स्क्रीनशॉट लेके आपको सॉल्व कर लीजिए या पॉज करके आप स्वरूप सॉल्व करिए। अब जो 48 आएगा वो है h का मान, R का मान क्या है 14, तो L का मान मैंने बोला था आप लोगों को इससे फॉर्मूले से निकालो h² + r² पाइथागोरस टाइप का है ये, तो L बराबर अंडर रूट हो गया 48² + 14² करके आप लोग निकालोगे तो 48 का स्क्वायर आएगा 2304, 14 का आएगा 196, दोनों को ऐड करोगे तो 2500 आएगा जो 50 हो जाएगा, तो यानी L आ गया, तिर्यक ऊंचाई आ गई। अब तीसरा क्या बोला है, तीसरा बोला है शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है πr(l), शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है πr(l), पाई का मान 22/7, r का मान है 14, l का मान है 50 निकला हुआ, आपने कर दिया 7 × 2 = 14, तो 22 × यहाँ 50 × 100, 22 × 100 तो 2200, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 से आप लोग का अगले वीडियो में मैं बताऊंगा, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।